વિડિયો સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. અમુક અમુક વિદ્યાર્થીઓને આપણે પૂછીશું કે આજનું પેપર કેવું રહ્યું. શું કહેશો મિત્રો, આજનું પેપર કેવું હતું? સારું હતું. સારું હતું. સેક્શન એપ કેવો હતો? સારું. સારો હતો. પાસ થઈ જશો? હા. હાર્ડ હતું કે ઇઝી? ઇઝી હતું. ઇઝી હતું. તો અમુક વિદ્યાર્થીઓ કહે છે પેપર ઇઝી હતું. આપણે અમુક વિદ્યાર્થીઓને પણ પૂછીશું કેવું હતું પેપર. અમારા બીજા કેમેરામેન તા છે, એ હજુ આવવા માટે બહુ ગભરાઈ રહ્યા છે, પ્રિપેર કરી રહ્યા છે કે પૂછવું શું. પંકજ રાવત સર, યુટ્યુબર ની ચેનલ માંથી પ્રિયમ ભાટિયા. इसके अंदर सम तो एक आती है, बाकी सारी ऑलमोस्ट तो थ्योरी थी. बहुत इजी था, वो तो है. बस तो फिर 100 out of 100 लिखा पूरा है. ई और एफ तो नॉर्मल सा पूछा है, जैसा हमने सोचा था कि एक टाइम पर ई ट्विस्टेड हो सकता है, बट उतना ट्विस्टेड नहीं आया. नॉर्मल सा पूछा होगा. ठीक है. ओवरऑल एफ भी अच्छा रहा. और सेक्शन डी के अंदर तो 1.5 का सब जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो सब इन्होंने लिया, 1.5 का भी. ठीक है. सो ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर अच्छा रहा है और नॉर्मल सा इजी पेपर रहा है. आप लोगों का कैसा रहा है? कितने टाइम में कम्प्लीट हो गया? पौने घंटे पहले. तो फिर क्या किया पौने घंटे पहले खत्म करने के बाद? वो लाइन और वो सब प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है. 100 में से गलती से एक बार हो जाना चाहिए. वही वाला हुआ? नहीं, मतलब नहीं, टाइम लेके सब अच्छे से प्रेजेंट किया, स्टेपलर अपलर किया और सब अच्छे से वो सारा उसका तो मतलब ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, सब कुछ जैसा भी रहा पूरा का पूरा पेपर बाद बढ़िया रहा. अच्छा, ठीक है. कौन से स्कूल से आप? एसएसआईएस. શું કે મિત્ર, કેવું ગયું પેપર? સારું ગયું. સારું ગયું. સેક્શન એપ કેવો હતો? હાર્ડ હતો, પણ હાર્ડ હતો. 20 માર્ક લો હતો. 20 માર્ક પણ કેવો રહ્યો? આમ હાર્ડ હતો, આમ પેપર આવડતું હતું, એટલે આવડતું. સેક્શન એ જે 20 માર્ક ના એમસીક્યુ હતા, સેક્શન એ 20 માર્ક ના હતા, એ થોડા હાર્ડ પૂછ્યા હતા. પણ કેવું એવરેજ ગણી શકાય કે થોડું હાર્ડ લાગે એવું? થોડું હાર્ડ હતું. થોડું હાર્ડ હતું. પણ પ્રિપેરેશન આખા વર્ષની હતી એટલે પાસ થઈ જશું કે નહીં? પાસ થઈ જશું. પાસ થઈ જશું. ઓકે, નાઈસ. Objectives. દિલીપ કેવું ગયું પેપર? સારું ગયું. સારું એકદમ. હે, સારું ગયું. બધું સિમ્પલ જ બધું સિમ્પલ હતું. આપણા જે કોયા સાહેબે તમને ભણાવ્યું આપણું જબરજસ્ત રીતે. આપણે પંકજ સરે ભણાવ્યા હતા. નામ તો સાંભળેલું મેં. કોણ છે, ઓળખો છો? હા, ઓળખે છે. ડેક સેકન્ડરી માં ભણાવ્યા છે પંકજ સર. નામ એ કેવું ગયું? બધા આયુબી વાળી આયુ પેપર બધું આ એમ સેક્શન એપ બધો થઈ ગયો એકદમ. આખું કમ્પ્લીટ પેપર થઈ છે. પેલા શું કરે યાર? આવું ના હોય, કોઈ એકલા એકલા પૂછું છું. આવું મજા નહીં આવે. મજા નહીં આવે. થોડું તો લાગે ટફ હતું એવું. सेक्शन एफ तो इजी रहा, नॉर्मल सा एकदम इजी सा पूछा आपने को सेक्शन एफ. और सेक्शन ई, ओके, 70 से ज्यादा 10% से कम सेक्शन ई का. इतना ज्यादा तो लोचे वाला नहीं रहा. संभावना खाली था. संभावना वाला कैसा? हार्ड पूछा था. संभावना हार्ड था, इसलिए मैंने संभावना सर इसका क्या मतलब छोड़ा हुआ है. इसमें सर रीनी है विश्राम मूल्य रन को तो सर संभावना हार्ड का चिन्ह क्या होगा? वो प्लस आर माइनस आर
सुरेख नियत संबंध मॉडल याद है ना? हाँ। कौन सा? वाई कैप पर टाइम सीरीज वाला नहीं पूछा था। वाई टी इज इक्वल टू तत्सत कट रट वाई पूछा था। ओवरऑल तो बाकी का तो सही है। सर सेक्शन सी में तैयारी ज्यादा एक्सरसाइज 1.3 दो सवाल कौन से वार वाले जो थे वो वार वाले दो सवाल है। ये सवाल भी हमने किए हुए हैं। ये स्वाध्याय 1.5 1.5 के जो दो सवाल है उसमें से सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर दूसरा। ओवरऑल इजी रहा है। बोलो कैसा रहा? बस इजी था सर। इजी सेक्शन यूआरएफ एकदम इजी नॉर्मल सा आया। यस सर। कोई डाउट रहा ऐसा? ना ना नहीं एकदम इजी। कैसा रहेगा स्कोर? स्कोर इजी 85। और ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे? इजी थे ऑब्जेक्टिव में। मैं इजी ऑब्जेक्टिव इजी था। नॉर्मल इजी ऑब्जेक्टिव दिए। सेक्शन सी में थ्योरी ज्यादा थी। थ्योरी ज्यादा पूछे। सात में से पांच तो थ्योरी और दो सम्स पे। बस तो अभी अगला नेक्स्ट चैलेंज अपन ले बीए वाला है। चैलेंज बीए वाला कैसा रहा? बस सर मस्त मस्त इजी था। क्या ऑब्जेक्टिव्स किए? हाँ ऑब्जेक्टिव्स किए थे। बाकी और अच्छा रहा? हाँ सेक्शन एफ भी अच्छा था और सेक्शन ए भी इजी था। પરિણામ મેળવવું હતું ક્યાં એડમિશન લેવાય? अपने 20 मार्क के एमसीक्यू थे वो बुक में से थे या बाहर? बुक में से ही थे मोस्ट प्रोबेबली। ओके नाइस। ओवरऑल बहुत इजी था बस थ्योरी थोड़ी टफ। सेक्शन सी के अंदर एक या दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल छोड़ के ऑलमोस्ट थ्योरी दिया गया। ऑलमोस्ट थ्योरी दिया गया बट मैंने देखा कि थ्योरी इजी थी। आप लोगों ने अटेम्प्ट की है? यस। पक्का? हाँ। अच्छी वाली अटेम्प्ट की? बुरी वाली? अच्छी वाली ना। ऑब्जेक्टिव्स कैसे रहे बेसिकली? ऑब्जेक्टिव इजी थे बहुत। इजी थे। पढ़ा होगा तो आएगा नहीं तो। हमने ये सोचा था सेक्शन ई जो है वो ट्विस्टेड होगा बट एक्चुअली में ट्विस्टेड नहीं था। और सेक्शन एफ जिसको हम हमारा जीवन दान बोलते हैं वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा वाला दिया हुआ था। बस 20-20 नंबर से पक्के हो गए अपने। ऑब्जेक्टिव्स कैसे? ऑलमोस्ट सारे के सारे सही है कि कैसे हैं? सारे के सारे सही थे। एमसीक्यूज तक सही है बाकी अनएक्सेप्टेड थ्योरी आई थी। अनएक्सेप्टेड या अनएक्सपेक्टेड? दोनों एक्सेप्ट भी नहीं हुई एक्सपेक्ट भी नहीं हुई। तो मैं इन शॉर्ट सिंपली एंसर इतना बोल सकता हूँ कि हमारा ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है। इजी भी था। इजी था एक्चुअली में देखा जाए तो स्कोरिंग पेपर तो ऐसा कह सकते हैं। मैंने जैसे कि ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि पेपर जो है बढ़िया वाला और इजी वाला पेपर है तो स्कोर तो हमारा हो जाने वाला है। टॉपर तो है ही। अरे डाउट बन रहे वो श्योरिटी नहीं है।